भारत एक ऐसा देश है जहां विविध धर्मों और संस्कृतियों का समागम है। यहां हर धर्म अपने खास त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास से मनाता है, जो देश की विविधता और एकता को दर्शाता है। इन त्योहारों में से एक विशेष त्योहार है ओणम, जो खास तौर पर फसल की समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार खेतों की खुशहाली और प्राचीन परंपराओं की झलक पेश करता है। दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहार ओणम 2024 की शुरुआत 6 सितंबर से हो चुकी है, जिसका समापन 15 सितंबर तक होगा। इस पूरे त्योहार को एक यूपीएससी एस्पिरेंट कैसे देखेगा, बस इसी बात की चर्चा है आज के एपिसोड में। इसमें हम आपको 9 ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे जिससे आप इस फेस्टिवल को देख सकते हैं। पहला है उत्पत्ति और महत्व। ओणम केरल का राज्य त्योहार है। ये त्योहार महाबली के पौराणिक घर वापसी का उत्सव है। मानसून के अंत और फसल के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करता है। दूसरा है समय। ये त्योहार मलयालम महीने चिंगम में आता है। अगस्त से लेकर सितंबर और 10 दिनों तक ये मनाया जाता है। तीसरा है सांस्कृतिक महत्व। मलयाली लोगों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और धार्मिक सीमाओं से परे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी के द्वारा ये मनाया जाता है। चौथा है प्रमुख परंपराएं और रीति रिवाज, जिसमें पुक्कलम यानी फूलों की रंगोली, ओरसंग यानी भव्य भोज, वल्लमकाली यानी सांप नौका दौड़, पुलिकली यानी बाघ नृत्य, कुमुट्टिकली यानी मुखौटा नृत्य। पांचवा है पौराणिक पृष्ठभूमि। इसमें राजा महाबली एक उदार असुर राजा थे। भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में महाबली को पाताल लोक भेज दिया। महाबली को साल में एक बार अपने लोगों से मिलने की अनुमति है। इस दिन को थिरुवोणम कहते हैं। छठा है आर्थिक महत्व। केरल में पर्यटन को बढ़ावा देता है, खरीदारी और उत्सव के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि। सातवां है पर्यावरणीय पहलू। परंपरागत रूप से स्थानीय फूलों और उत्पादों का उपयोग करता है, जो जैव विविधता को बढ़ावा देता है। आठवां है सामाजिक महत्व। इसमें समुदायों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। केरल की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करता है। नवां है सरकारी भागीदारी। केरल में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिसमें सरकार संस्कृति कार्यक्रमों का आयोजन करती है। ओणम न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामूहिक खुशी और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। इस त्योहार के 10 दिनों में हर कोई मिलकर खुशी और समृद्धि का आनंद उठाता है। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है कि मूलतः ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, जिसके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु। इसका जवाब आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।